व्हाट्सअप एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो में देखो बहुत ट्रैफिक है। फिर से एक नया वीडियो में शुरुआत है। रास्ते में जूस पीते पीते ये तुपसिया मोड़ है। देखो एक वीडियो शूट करने के लिए आया हूँ। देखो बीते 10 दिन से मेरा तबीयत खराब था, तो जैसे ही वैलेंटाइंस डे का काम खत्म हुआ मैं बीमार पड़ गया। उसके बाद आज निकला हूँ एक वीडियो बनाने के लिए। ये देखा मैं यहाँ से जा रहा था इसके साथ, ये मेरा दोस्त है, ये बचपन का दोस्त है मेरा। ओए अरुप ये मेरा बचपन का दोस्त है, उसके साथ निकला हुआ थोड़ा बहुत घूमने के लिए इधर उधर। तबीयत खराब था, घर में पड़ा हुआ था, तो मैं जूस पीते पीते वही चीज मैं देख रहा था। यहाँ पे एक सिख पालीगंज पे ओपन हुआ है, वहाँ पे 50% डिस्काउंट दे रहा। मैं देखना चाहता हूँ क्या डिस्काउंट है नहीं है, मैं इसलिए रुक गया। यहाँ पे भीड़ है, नाम लिखा के चलाया, बहुत भीड़ है। 50% फ्लैट डिस्काउंट लिखा, अभी पता नहीं है कौन सा क्या डिस्काउंट है नहीं है, लेकिन मैं रुक गया, नाम भी लिखा, भूख भी लगा था, दोपहर का टाइम भी है। देखो बहुत ट्रैफिक है, सॉरी उसके लिए भाई, जो साउंड हो रहा है बाहर में नॉइस के लिए। इसको पीते हैं, उसके बाद हम लोगों को बोला है आधा घंटा बाद आने के लिए, इसको पीने के बाद चलते हैं अंदर में। यहाँ पे देखो ये मैं ओरियो शेक लिया, 50 रुपया लिया स्मॉल का, मीडियम का 80 रुपया, बड़ा का 100 रुपया। ये यहाँ पे दिल्ली आइसक्रीम स्नैक्स जूस एंड सेंटर भाई, एक नंबर भाई। यहाँ पे जो टेस्ट है ना भाई, एक नंबर। 50 रुपये में जो क्वालिटी दे रहा है ना, एक नंबर क्वालिटी दे रहा है। ये एकदम तुपसिया मोड़ में है, तुपसिया मोड़ में दिल्ली, वही दिल्ली जूस सेंटर जो भी बोल दो, एक नंबर लग रहा है खाने में। चलो इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद चलते हैं। ये यहाँ पे सिक्स बालीगंज प्लेस है, यहाँ पे ये सिक्स बालीगंज प्लेस खाली है, नया खुला है यहाँ पे। यहाँ पे पहले मैं देखा नहीं, चलो चलते इसके बाद खाने के बाद। ये देखो डोमिनोज है, डोमिनोज के ठीक बगल में महिंद्रा का शोरूम है, और ICICI बैंक का जो ब्रांच है उसके ही पीछे में सिक्स बालीगंज प्लेस थाली है। इसके पीछे में महिंद्रा का शोरूम है, इसके पीछे में सिक्स बालीगंज प्लेस का थाली है। तो चलो चलते हैं। ये हो गया इनका ब्रांच, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फ्लैट 50% ऑफ। यहाँ पे देख लो आप लोग, पॉज करके पढ़ लो क्या क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, बस चलो इसके अंदर में चलते हैं। तो भाई आधा पौने घंटा खड़ा होने के बाद मुझे सीट मिला है। ये वाला टेबल है, ये उठेगा, ये आदमी उठेगा, उसके बाद मेरा नंबर, आधा घंटा उसके बाद बैठते हैं, देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं, नहीं करते। इनका कैपेसिटी देख लो, ऊपर में भी है, इधर में भी है, नीचे में भी है, ठीक है सीटिंग कैपेसिटी। देखो फाइनली तो सीट मिल चुका है, बैठ तो गया है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है ये लोग सेट फूट करने में। पहले थाली सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सा क्या है नहीं, हम लोगों को पहले बैक कैमरा से दिखा देते हैं कौन कौन सा थाली अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ मिल रहा है वो चीज़ दिखा देते हैं, उसके बाद बोल देते हैं आप लोगों को कौन सा थाली हम लोग लेंगे। ये देखो मेनू कार्ड है, तो इसमें जो जो रेट आप लोग देख लो पॉज करके, कितना क्या रेट है नहीं है, ये सारा कुछ चीज़ जो जो चीज़ है यहाँ पे देख लो क्या क्या चीज़ है नहीं है, ये सारा 50% डिस्काउंट में है। हम लोग सिलेक्ट किए हैं, वो मेरा दोस्त अरूप, वो सिलेक्ट किया है भेटकी थाली, और मैं सिलेक्ट किया हूँ मटन थाली। ये दोनों थाली लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखा देते हैं। और ये देखो कॉपर में दिया है, देखो लोटा में पानी, रेगुलर पानी है ये, और कॉपर का ग्लास, मेरे को लग रहा है पूरा, हाँ वहाँ पे देखो जो दूसरा प्लेट सा है सब कॉपर में दे रहा है, जितना भी खाना ये हो रहा है सब कॉपर में सर्व कर रहे हैं ये लोग। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, कॉपर में दे रहा है। चलो थाली आता है, उसके बाद आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे बेसिक भेज थाली भी अवेलेबल है, फिश थाली है, भेटकी थाली है, चिंगड़ी थाली है, इलिस थाली है, चिकन थाली है, मटन है, किड्स है, सब कुछ है इसमें। ऑल में इसमें जितना भी थाली है उसमें देखो वेलकम ड्रिंक फ्री है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो जो चीज़ यहाँ पे देख रहे हो आप लोग पॉक्स करके देख लेना, जो जो चीज़ आप लोग यहाँ पे देख रहे हो सारा 50% डिस्काउंट फ्लैट में, बस यही चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसलिए चलाया। मैं काम से जा रहा था तो मैं देखा 50% फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है, तो यहाँ पे आ गया। तो इसको देखते हैं क्या थाली देते हैं नहीं देते हैं, और यहाँ पे फोटो में तो ये सब चीज़ दिखा रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या चीज़ देगा वही मेन बात है। देखो यहाँ पे तो थाला लगा दिया है भाई, एक नंबर लग रहा है, ये तो पूरा एकदम लग रहा है कोई मतलब राजा महाराजा वाला जगह में आके खा रहे हैं, वैसे लग रहा ना राजा महाराजा वाला आगे। हाँ नहीं तो शादी में जैसा नया नया बकरा आता है ना, वो दामाद जिसको देता है, वैसे ही लग रहा है। देखो हम लोग फिश फ्राई भी ऑर्डर किए थे, ये फिश फ्राई भी आया है, वो अरूप लिया है भेटकी थाली लिया है, मैं लिया हूँ मटन थाली, आ जाता है उसके बाद दिखा दे। देखो घोल भी आ गया, बाप रे बाबू, हाँ ये तो हजम करने वाला है, चेस वाह, आ हा हा, कैसा, हाँ कैसा है, ठीक है चलो इसको ट्राई करते हैं, परफेक्ट है।
वुंड फेस करते हैं। हम लोग शेक पी का है, उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन खाली पेट रहेगा तो। देखो हम लोग भेट की फिश फ्राई ले लिया। देखो मछली तो ठीक है, ठीक लग रहा है, अभी टेस्ट करके बताना पड़ेगा कैसा लग रहा है खाने में। मछली का टेस्ट आ रहा तो बस बस चलो इसको ट्राई करते हैं, देखते कैसा है। मस्त है, एक नंबर, तो खाते हैं शांति से, मस्त है। ये वाला है एचोड़ का, वो जो एचोड़ का कोफ्ता होता है ना, कोफ्ता टाइप का, वो एचोड़ का सब्जी है। बंगाली में एचोड़ बोलता है, हिंदी में क्या बोलता है पता नहीं। ये कौन सा? अच्छा ये वाला है भाजा मसाला आलू दम। ये हो गया दाल, मूंग दाल है ये वाला। उसके बाद ये तीनों अनलिमिटेड है, चलो ये दे देता है। और लूची दिया है, देखो 6 पीस यहाँ पे है, एक जन का 4-4 पीस करके, और 2 पीस यहाँ पे देगा लूची। एटा किया जे? एटा कलमी साग, ये कलमी साग है। कलमी साग में क्या क्या दिया हुआ है? मूला दिया हुआ है, अच्छा आलू मटर है और बैगन है। और यहाँ पे शायद मेरे को दे, यहाँ पे शायद मेरे को लग रहा है चटनी देंगे। हाँ चटनी देंगे, कौन सा चटनी है? ये टमाटर, टमाटर और खजूर का चटनी है। हम लोगों का मुंह संभाल नहीं गया, वो दिया नहीं दिया पहले सड़ा वहाँ बाबू पहले सड़ा, उसके बाद जो होगा दिखा जाएगा। ये इसके साथ खा रहा है ना भाई, एक नंबर लग रहा है। आलू दम के साथ जो लग रहा है ना लूची, एक नंबर। मतलब ये क्या बोलो तो, आके खाना चाहिए बस। इतना गर्मा गर्म लूची है, इतना टेस्टी लग रहा है ना लूची, मस्त लग रहा है यार, मस्त लग रहा है। ये बैगन भैया दे दिया, चलो भैया राइस दे रहे हैं, और यहाँ पे पापड़ दे दिया। ये राइस दे रहे हैं, देखो बासमती चावल दे रहा है, एक नंबर। और कुछ नहीं, वो देखो भेटकी, ये राइस दे दिए, उसको भी राइस दिया, वो देखो इसका भेटकी या मिठाई, यहाँ पे मेरा मटन। ये दो जन मिलके खाएंगे भाई आराम से, एकदम मन संतुष्ट करके खाएंगे। हाँ बाबू मन संतुष्ट करके, मतलब ये देखो, देखो जो जो चीज़ यहाँ पे अनलिमिटेड है मैं बता देता हूँ। ये दाल, आलू दम और एचोड़, ये अनलिमिटेड है, बाद बाकी कोई चीज़ अनलिमिटेड नहीं है। सिर्फ राइस भी, उसमें राइस भी अनलिमिटेड है, जितना चाहो उतना खाओ। तो 2 पीस मटन दिया है, और उसको वहाँ पे भेटकी 2 पीस दिया है ना, ना 2 पीस, अच्छा 1 पीस भेटकी माछ दिया है, और यहाँ पे पापड़ देके गया है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। चलो भात, पहले भात ट्राई करते हैं। लूची तो 1 पीस ट्राई किए, तू खा भी खाना, आलू दम देखा। चलो लूची भी स्टार्ट कर दिया, लूची खाएंगे बैगन भजा से, उसको चावल को साइड करते हैं। देखो दोपहर का टाइम है, खुराक तो है भाई, दोनों में खुराक है हम लोगों का, तो अच्छा खासा राइस भी लिए हैं, अनलिमिटेड है, पे लो आराम से। इसी के साथ बैगन भाजा, हा, और क्या चाहिए। एक नंबर लग रहा है खाने में, थोड़ा ठंडा हो गया फोटो वोटो चक्कर में, एक नंबर। इसके बाद बैगन भजा के साथ भात खाएंगे। गर्मा गर्म भात है, वो बिरयानी चावल, बासमती चावल है, एक नंबर लग रहा है। इसके साथ जो लग रहा है ना बैगन भजा के साथ, ओह एक नंबर लग रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा, तो एक नंबर लग रहा है। अभी खाएंगे साग के साथ। अब कलमी साग को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं भाई। और बैगन दिया है, हाँ बैगन दिया है, तो इसको भी ट्राई करते हैं। मेरे को साग दे दो और थोड़ा सा, पूरा भात खत्म हो जाएगा। एचोड़ ले लिया, ये देखते हैं एचोड़ के साथ कैसा लगता है खाने में। देखो इतना मैं खाता नहीं हूँ एचोड़, तो उतना भी खास नहीं लगता है, लेकिन दिया है, फेंक तो नहीं देंगे ना, खाएंगे। चलो देखते हैं कैसा लगता है, नहीं लगता। अच्छा लग रहा है, भाव लग रहा है, एचोड़ा भाव लग जाना कहते देखे। हाँ मीठा मीठा डावल है, अच्छा लग रहा है खाने में। अभी मेन बारी है मटन का, भेटकी देख तो बाबू, खे के राम लग जाए। भेटकी देखो कैसा है, कैसा कैसा टेस्ट है? तो अच्छा नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है। ग्रेवी के साथ ठीक ठाक, ठीक ठाक। तो चलो मटन भी ट्राई कर लेते हैं कैसा है, नहीं है देख लेते हैं। ग्रेवी उतना खास नहीं लग रहा है ना, मैंने मटन नहीं, एक पीस नहीं मटन नहीं, ना नहीं एक पीस नहीं ने ना मटन ने ना, तो आज से रख।
ऑफिसी आ जाए नहीं ना चोरबी फोरबी किंतु खाए ना चोरबी फोरबी नहीं 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 ना चोरबीटा नहीं ना मोटन का कम लागे तो ओके খা খা তারপর আমি বলছি গ্রাম নরম নরম আছে নরম তো হ্যাঁ ঠিকঠাক চলো উস রিভিউ মিল গিয়া ঠিকঠাক মটন আব মেলা বারি হ্যাঁ মেয়ে টেস্ট করতে হুম মেন বাত দেখনা মটন কেসা হ্যাঁ মটন বহুত সফট হ্যার ইয়ে দেখো সফট হ্যাঁ মটন দেখ বহুত সফট হ্যাঁ बहुत सॉफ्ट है बहुत सॉफ्ट है ग्रेवी देख रहे सुपर से भी ऊपर एक नंबर देखो वो भी भेटकी दिया थोड़ा सा आगे देखते भेटकी कैसा है बिट इतना खास नहीं लग रहा है ठीक ही बोला वो उतना खास नहीं है बिट के ना तो उतना खास नहीं लग रहा हाँ मछली मेरे को भी थोड़ा सा लग रहा है नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए लेकिन जो भी है उतना अच्छा नहीं लग रहा है खाने में लेकिन मटन जो भी बोलो मटन बहुत सॉफ्ट है एक नंबर है मटन मटन को 10 में 10 और भेटकी को 10 में बोल सकते हो 6 चलो ये सारा कुछ दिखा दिया अभी बोल सकते हो आलू दम क्यों पड़ा हुआ है आलू दम के साथ लूची खाएंगे इसलिए आलू दम पड़ा हुआ है इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम लोगों को कितना बिल होता है नहीं होता है आप लोगों को दिखा देते हैं हाँ ओटा खाओ देखो हम लोग ऑलमोस्ट खाना कम्प्लीट है सारा कुछ कम्प्लीट है कोई भी चीज़ हम लोग वेस्ट नहीं किए हैं ये खाना को वेस्ट करने में हम लोग को बहुत फटता है यार हाँ भाऊ खाना वेस्ट हम लोग से होता नहीं है भाई जो खाना है वही लो खाना वेस्ट मत करो कुछ भी हो जाए जैसे भी करो पैक करो कुछ भी करो लेकिन वेस्ट तो मत करो ये एक लेसन है खाने के लिए सब कुछ है जितना भी काम है सब कुछ है इसको कम से कम वेस्ट मत करो बाकी सब बढ़िया है देखो अभी लूची के साथ अभी मटन का बारी है देखते कैसा है लूची लगता है बाबू एक टू ना भाई लूची के साथ देखते कैसा लगता है गेस्ट भी वेट कर रहा है बोल रहा है जल्दीबाजी करने के लिए कर लेते हैं लूची का गर्मा गर्म रहेगा ना एक नंबर रहेगा इसको चलो इसको खा लेते हैं मटन का ये वाला पीस है नरम है मटन बहुत नरम है मटन चलो इसको खा लेते हैं बिल पेमेंट करते हैं उसके बाद दिखाता हम लोग कितना बिल हुआ नहीं हुआ चलो हम लोग का फिंगर बॉल भी दे दिया है ये जो सेटिस्फेक्शन है ना बाबू ये सेटिस्फेक्शन अलग ही है ना कितना बिल आता है देखते हैं ये देखो हम लोग का बिल आ चुका है देख लो 50% डिस्काउंट दिया है यहाँ पे जो देखो भेटकी थाली है 390 मटन थाली है 425 और फिश फ्राई था 185 टोटल हुआ था 1000 और GST मिला के वही 50 रुपया GST पड़ा था तो उसको 50% डिस्काउंट करके 525 रुपया हुआ है चलो इसको पेमेंट करते हैं निकलते हैं उसके बाद आप लोगों को बता देते हैं कैसे आना है यहाँ से नहीं आना है कब आना है नहीं आना है सब बता देते हैं आप लोगों को कितना दिन तक ये वैलिड है सब बता देंगे आप लोगों को चलो इसके बाद ये वाला तो मैंडेटरी है लेना है दादा खूब भलो लग लो खे खबर एक नम्बर छो दादा निश्चय आसब दादा कतदिन आज कतदिन अब्दी वैलिड आज 31st March तो ये 31st March तक ये वैलिड है 50% डिस्काउंट उसके बाद और वैलिड नहीं है चलो निकलते हैं यहाँ से तो देखो वहाँ से तो मैं यहाँ घर में आ गया तो हम लोगों को टोटल पड़ा मैं जितना दिखाया आप लोगों को उतना ही पड़ा है हम लोगों को पड़ा है कितना 525 रुपया करीबन पड़ा है 50% डिस्काउंट 1000 रुपया हुआ था उसमें 525 रुपया हम लोगों को पड़ा है बहुत रिजनेबल प्राइस है वेज का भी ऑप्शन है लेकिन वेज में नहीं लिया आज नॉन वेज खाने का मन कर रहा था मटन खाने का मन कर रहा था तो मटन खाया मैं आज दबा के मटन खाया बहुत टेस्टी था खाना हाँ थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ जैसे भेटकी जो मेरा दोस्त अरूप खाया था वो बाय द वे मैं बता दूँ वो मेरा एकदम बचपन मतलब एकदम लंगोटिया यार है एकदम मेरा वो मतलब एकदम जितना बोल सकते हो जितना मतलब एक लड़का का जितना फ्रेंडशिप शुरू होता है मेरा फ्रेंडशिप टाइप का मतलब एकदम शुरू से फर्स्ट से वो मेरा दोस्त है अभी भी है दोस्त बचपन का दोस्त उसी का ऑफिस का वहाँ से मैं अपलोड करता हूँ वीडियो आप लोगों जो वीडियो देखते हो उसका ऑफिस से अपलोड करता हूँ मैं वाईफाई में उसको बहुत स्पीड है नेट का तो इसलिए मैं चला जाता हूँ फटफट अपलोड हो जाता है मैं भी लूँगा एक वाईफाई तो अभी टाइम है थोड़ा सा तो
जैसे मैं बोल रहा था आप लोगों को, वो जो थाली था ना भाई, एक नंबर थाली था। वो खा के ना मतलब अंदर पूरा एकदम हलचल ही मच गया पूरा एकदम, इतना टेस्टी खाना था। आप लोग जाके ट्राई कर सकते हो। ये तोपसिया वाला 6x1 प्लस थाली है, महिंद्रा का शोरूम वही वाला है, पाक सरकार ब्रांच का, तोपसिया वाला ब्रांच का। तो आप लोग जाके खा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। 31 मार्च तक तब वैलिड है इसमें, आप लोग 31 मार्च तक जाके पूरा एकदम 50% का पूरा फ़ायदा ले सकते हो। तो मैं जाते वक्त देख लिया, तो मैं सोचा क्यों ना वीडियो बना देता हूँ, बहुत दिन हो भी गया, मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया था, बीच में ठीक हुआ था तबीयत, फिर से तबीयत ख़राब हो गया था, भगवान जाने क्या, कोल्ड हो गया था मेरे को ना, वायरल हो गया था भगवान जाने, गला वाला पकड़ लिया था, सर पकड़ लिया था, बुखार हो गया था, बहुत कुछ, मतलब बहुत हैसल हुआ मेरा ये हफ्ता, जब से मैं 14 तारीख से फ्री हुआ था, 15 तारीख रात से ही मेरा हालत ख़राब हो गया। जैसे तैसे करके मैं वीडियो दिया, लास्ट वाला वीडियो जैसे दिया, मैं ही जानता हूँ कैसे वीडियो दिया। तो चलो ये वीडियो और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा, आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, ये चैनल को मेरा छोटा मोटा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा ट्रिप करूँगा, 2-4 दिन बाद ट्रिप करूँगा, कहीं बाहर जाने का बात हुआ है, तो मैं उसी के साथ जाऊँगा बाहर। तो देखते हैं आगे कहाँ ट्रिप करते हैं नहीं करते हैं। तो ये वीडियो को टाटा बाय बाय। हाँ, और एक बात, नेक्स्ट वीडियो मैं बोला था ना वो बिरयानी वाला दूंगा, इसके बाद वाला बिरयानी पक्का, बिरयानी वो अलग लेवल का बिरयानी ब्लॉग होगा। टाटा।